नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। अभी हम लोग चास के सदर बाजार मार्केट में हैं। कल ही आपने देखा कि पूरे झारखंड के चैम्बर के आह्वान पे पूरे झारखंड के जितने थोक व्यवसायी हैं वो सभी अपनी दुकानों को बंद कर दिए हैं और आगे भी अनिश्चितकालीन आह्वान हुआ है कि बंद रहेगा। आज सदर बाजार की ये वो जगह है जहाँ की आप देख सकते हैं कि पूरे चास नहीं पूरे बोकारो जिले के लोग थोक अनाज की खरीदारी करने के लिए, राशन की खरीदारी करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन आज ये बाज़ार पूरा बंद है और यही बाज़ार बंद नहीं है, पूरा कृषि बाज़ार और साथ ही साथ खाने पीने की हर वो चीज़ों की दुकानें जो हैं वो बंद करा दी गई हैं। कल आपने देखा कि किस प्रकार से सभी जो यहाँ के चैम्बर के और कृषि बाज़ार के जो पदाधिकारी हैं वो उपायुक्त के सामने धरना दे रहे थे, अपना मेमोरेंडम इन्होंने सौंपा। उसके बाद आज किस प्रकार से तैयारी है, क्या चल रहा है, आज दुकानें कहाँ कहाँ खुली हैं और किस किस प्रकार की बंद हैं? आज हम सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह छोटी छोटी जगह पर जाके देख रहे हैं क्या प्रभाव है। तो बहुत छोटी दुकानें हैं, कुछ खुली हुई हैं, मगर हम लोगों के जाने के बाद में वो सब भी बंद हो गई हैं। हमारा एक ही कहना है कि आम जनता को पर जो 2% टैक्स लगाया गया है वो गवर्नमेंट वापस ले ले, उसका कलेक्शन हम लोग नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये महंगाई देश में बढ़ रही है, मगर अपने ही ये झारखंड राज्य में 2% जनता पर अलग से बोझ डाला जा रहा है, वो हम लोग किसी कीमत पर ये लगने नहीं देंगे। और कृषि मंत्री को ये वापस लेना होगा टैक्स, इसमें खुदरा दुकानदार होलसेल सभी सम्मिलित हैं और आगे ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी जब तक काला लग रहा है। कृषि मंत्री जो हैं बादल पत्रलेख जी, वो कांग्रेस से आते हैं, यूपीए गठबंधन हमेशा केंद्र में मांग करता है कि महंगाई बढ़ते जा रही है, भाजपा की मांग है, अपने राज्य में क्यों नहीं कम करना चाहते हैं और ये 2% बढ़ाने के पीछे क्या मकसद था? ये इनकी दोहरी नीति है और इसमें सीधा सीधा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता का दोहन करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। क्या लगता है इस फैसले के बाद सभी व्यापारी जो हैं वो यूपीए गठबंधन के खिलाफ आने वाले चुनाव में प्रचार भी करेंगे और वोट भी करेंगे, कहीं वो नुकसान हो? देखिए, वो नुकसान तो उसका हो गई, जनता के खिलाफ में जो भी जाएगा चाहे कोई भी नेता हो कोई भी पार्टी हो, नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। जो देखिए, अभी मैं आपको बताते चलूं कि अभी शादी विवाह का भी माहौल चल रहा है, तो और भी दुकानदार हैं उनसे हम लोग जानेंगे क्या जिनके यहाँ शादी विवाह है वो सामान लेने आ रहे हैं, उनको कैसे मना रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपको सामान नहीं मिल पाएगा, आप हमारा आंदोलन चल रहा है। देखिए, हम लोग उनसे हाथ जोड़ के विनम्ते कर रहे हैं कि देखिए कष्ट तो हो रहा है लेकिन कष्ट हम लोग का भी है, आने वाला टाइम में हम लोग को बहुत बड़ा कष्ट होने जा रहा है क्योंकि ये सरकार ऐसा काला कानून लाई है जिसमें ये लोकल नेता का जो होगा ना कि वो टैक्स वसूलेंगे, वही अध्यक्ष रहेंगे और वो गली गली जाके टैक्स वसूलेंगे, इससे गुंडागर्दी बढ़ेगी और पदाधिकारी नहीं वसूलेंगे। इस अमेंडमेंट में ये है? नहीं नहीं, इसमें पदाधिकारी नहीं वसूलेंगे, इसमें सत्तारूढ़ी पार्टी के नेता ही वसूलेंगे। जैसे बिसूत्री है उसी प्रकार से ये अलग से कानून ये लाया गया है कि इसमें वो लोग रहेंगे नेता नेता नेतागिरी से जो ताल्लुक रखते हैं वो लोग इसमें करेंगे। हाँ, ये लोग वही लोग वसूली करेंगे, इससे हम लोग को भाई गुंडागर्दी बढ़ेगी और व्यवसायियों में इस बात के लिए विशेष रूप से रोष है कि ये कानून लाया गया है। 2% तो हम लोग का जो मांग है ही कि वो भी नहीं लिया जाए और ये जो बात इस विधेयक में है ये हम लोग को मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। आपने देखा कि जब भाजपा आई थी तो उसके बाद GST लगा दिया गया था हर चीज़ों में, तो टैक्स की जो व्यवस्था थी वो पूरा इंडिया लेवल में जितने कृषि विभाग में जो पहले 1% टैक्स लिया जाता था, कृषि विभाग जहां से बाजार जो है कृषि उपज जो करते थे वो बाजार में बेचते थे उनको 1% टैक्स लगता था, लेकिन GST लगने के बाद वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, वो एक ही जगह टैक्स हो रहा था, अब वो फिर से झारखंड में लागू कर दिया गया है और उसका विरोध सभी कर रहे हैं। क्या लगता है ये GST आने के बाद फिर से 2% अलग से टैक्स देना दुकानदारों पे भी परेशानी और ग्राहकों को भी परेशानी? अगल बगल के किसी भी राज्य में नहीं है, जो जैसे बंगाल हम लोग का बॉर्डर में बंगाल है और इधर है UP है, फिर बिहार है, उड़ीसा है, किसी राज्य में 2% बाजार समिति टैक्स है ही नहीं। ये झारखंड सरकार अलग से एक लगा के ये व्यापारियों को बोल रही है कि 2% जनता से ले और हमको दे, और इसमें पहले अफसर जैसे SDO अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इसमें राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकार रहेगी उसी का अध्यक्ष रहेगा और उसी का कार्यकर्ता जो एजेंट के रूप में टेंडर होके वो अपना गली कुची में सब तसलेगा, तो इसका हम लोग क्यों टेंशन लें।
तो आपने सुना इनकी बातों को। एक और पहलू है कि जहां छोटे दुकानदार थोक व्यापारी इनका विरोध कर रहे हैं, वहीं बड़े जैसे रिलायंस है, ये सब कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी हम जानेंगे मनोज जी से कि मनोज जी ये कंपनियां भी चला रही हैं, जैसे रिलायंस है, लोग आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो क्या इस आंदोलन में वो भी साथ हैं, उनको भी बंद कराया जा रहा है? उनको हम लोग अपने साथ ले आ रहे हैं, जैसे आज भी जो मॉल खुला हुआ था उसको हमने जाके बंद कराया है, वो भी कृषि उत्पाद बेचते हैं और ये सीधा सीधा जनता पे बोझ है और व्यापारियों का दोहन है। पहले भी बाजार समिति रहा है, 3-4-5 पीढ़ी हम लोग झेले हैं इसको। ये बाजार समिति एक काला सांप है, बस भ्रष्टाचार का अड्डा और कुछ नहीं है। आप पूरा बाजार जितना दिन रहा पहले, पूरा कार्यकाल का लाभ और हानि उठा करके देख लीजिए, सरकार हमेशा उसमें घाटा में रही, बोर्ड घाटा में ही रहा है, तो ये अब कहाँ से नया आ जाएगा? पदाधिकारी माला माल रहे और कर्मचारी माला माल रहे, पहले 3 बजे सुबह से ही गाड़ी लेके घूमना शुरू कर देंगे ये लोग। और जो व्यापारी अच्छा से काम करेगा वो ज़्यादा टॉर्चर होगा, इस टाइप से इन लोगों का क्रश करने का व्यू रहता है। पहले हम लोग बहुत सताए गए, इसलिए हम लोग लड़ करके इसको हटवाए और फिर से थोपा जा रहा है, 1% की जगह 2% लगाया जा रहा है। ये सदा ये एकदम अत्याचार है, ये होना नहीं चाहिए और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अंत तक विरोध करेंगे। तो आपने सुना सभी व्यापारियों की बातों को और मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ थोक व्यापारी नहीं, फल के व्यापारी और जो भी गाय गोरू की भी जो सामाने होते हैं उनके भी थोक व्यापारी, सभी व्यापारी इस 2% के जो कृषि उपज के तहत कानून लाया गया है इसका पूरा विरोध झारखंड में चल रहा है और जिसका आज दूसरा दिन है। आगे देखते हैं कि आगे सरकार इस मुद्दे पर अगर नहीं झुकेगी उसके बाद चैम्बर का क्या रोल होगा। ये आंदोलन आज दूसरा दिन है, आज भी पूरे चास बोकारो की हर वो दुकानें बंद हैं। हम लोग लगातार इस आंदोलन पर नज़र बनाए रखेंगे, आगे क्या फैसला आता है, सरकार का क्या फैसला आता है और उसके बाद अगर सरकार अपने फैसला नहीं बदलता है तो चैम्बर के लोग और व्यवसायी अपना क्या रुख अख्तियार करेंगे।